ये रहा चांगला भैया, पहुंच गए हम लोग चांगला। बहुत ही टफ था ये यहाँ तक आना। स्टूडेंट्स हम निकल चुके हैं चांगला से नीचे की तरफ, और ये एवलांश प्रोन एरिया है। ये नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। पिछले एपिसोड में लद्दाख की मैजिकल लेक पेंगोंग सो विजिट करने के बाद मेरा प्लान था वापस ले जाने का। वैसे मैं चाहता तो पेंगोंग सो से सीधा हानले के लिए भी निकल सकता था, पर इस रास्ते में पेट्रोल पंप्स नहीं हैं और हानले और फिर वहां से उमलिंगला जाना और फिर वापस लेह मनाली हाईवे तक आने में जो पूरा डिस्टेंस कवर करना था उसके लिए मुझे पेट्रोल रिजर्व में लेके चलना ज़रूरी था। इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं वापस एक दिन के लिए लेह आऊँगा और साथ ही साथ लेह के पास ही स्थित दो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स शे पैलेस और थिक्से मॉनेस्ट्री को भी विजिट कर लूँगा। सो पेंगोंग सो पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल पड़ा वापस लेह की तरफ। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इस सफ़र पर। सो फ्रेंड्स, अब मैं वापस निकल चुका हूँ लेह के लिए। करीब एक घंटा मैंने पेंगोंग सो पे बिताया, उसके बाद मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं देखिए ड्राइव खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ पे फिर कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप्स चल रहा है जिसकी वजह से रास्ता बंद है। अब भाई साहब, ये पेंगोंग से लेकर जो तांगसे तक का रास्ता है करीब करीब 30 किलोमीटर का, वो बहुत ही ख़राब है। पूरे रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट ही है। इक्का दुक्का आपको स्ट्रेच मिलेंगे जहाँ पे आपको पुरानी रोड बची हुई है वो मिल जाएगी, अदरवाइज बाकी आप देख ही रहे हैं 17 किलोमीटर भी है यहाँ से तांग से। बहुत ही ख़राब सिचुएशन, चल चुके हैं तांग से। अब अगला जो गांव है वो है दुर्पुक, और दुर्पुक से फिर जो रास्ता जाता है जो लेकर के लेह की तरफ निकल जाएंगे। पेंगोंग सो पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर आप लेह से सीधा पेंगोंग जा रहे हैं तो आप चांगला को क्रॉस करके पेंगोंग पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह नुब्रा वैली की तरफ से आते हैं तो आप खालसर से आगे अगम श्योक दुर्बुक रूट लेकर के भी पेंगोंग सो पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं आया था नुब्रा वैली की तरफ से, मुझे लेह पहुंचने के लिए अब चांगला क्रॉस करके लेह की तरफ जाना था। नज़ारे देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं यहाँ से। यहाँ से लेह 115 किलोमीटर है, 115 किलोमीटर कवर करने में अगर रास्ता बढ़िया रहा तो 3 घंटे लगने चाहिए, 3 से 4 घंटे। यहाँ से दुर्बुक है 4 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वापस दुर्बुक, और जो राइट में जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता वही है जो लेकर के मैं कल आया था, यानी अगम श्योक होते हुए दुर्बुक के लिए। और अभी हम लेंगे जो रास्ता वो लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट में ये लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो आपको लेके जाता है लेह। ये चांगला पास होते हुए आपको लेह ले जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इट्स वेरी कोल्ड ऑल्सो, यहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है, जैसे ही छाया होती है तो बहुत ठंड हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ टेम्परेचर अराउंड 3-4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होगा। दुर्बुक से ले जाने वाली सड़क लद्दाख के चांगथांग प्लेटू से होकर गुजरती है। वैसे तो लद्दाख के बहुत सारे रीजन्स रगेड हैं, इस प्लेटू से होकर गुजरना अपने आप में एक अलग ही चैलेंज है। रास्ता बहुत ही घुमावदार है और रोड की कंडीशन ठीक होने के बावजूद यहाँ राइड करना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। दुर्बुक से लेह करीब 100 किलोमीटर दूर है और चांगला करीब 30 किलोमीटर। सोलकर के बाद जो चांगला की अप्रोच रोड है वो बहुत ही स्टीप है, और मेरे लिए लद्दाख के सभी पासेज में से चांगला का अप्रोच सबसे मुश्किल अप्रोचेज में से एक था। सो अभी हम चल रहे हैं चांगथांग रीजन में, और बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट है। गाड़ी आप देख रहे हैं, खुद देख लीजिए, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थ्रॉटल फुल है फिर भी स्ट्रगल कर रही है गाड़ी। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेज भी बोला जाता है, और यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पैसेज हैं, उनमें से चांगला भी एक है। 17,586 फीट ऊंचा ये पास दुनिया का 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और खारदुंगला से भी ऊंचा है।
लेकिन जब भी हम लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ खारदुंगला का ही ख्याल आता है मन में। इसके पीछे रीज़न है खारदुंगला का लेह नुब्रा रूट पर स्थित होना, जो बहुत ही पॉपुलर रूट है और काफ़ी दिनों तक खारदुंगला का दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास का दर्जा हासिल करना। पर मॉडर्न GPS टेक्नोलॉजी के अनुसार खारदुंगला अब 11th हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। अभी भी ऊपर चले जा रहे हैं चांगला की तरफ और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है बट बहुत माइनर। और यहाँ फिर थोड़ी देर के लिए जाम लगा क्योंकि रास्ता नैरो है शायद। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई फाइंड चांगला मच मोर चैलेंजिंग देन खारदुंगला। चांगला की जो अप्रोच रोड है वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लास्ट के स्ट्रेचेस बहुत ही ख़राब हैं और बर्फ़ के पिघलने की वजह से स्लशी हो जाते हैं, जिस पे बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके अलावा इट्स डैम कोल्ड अप देयर। चांगला का लिटिल मीनिंग है नॉर्दर्न पास और इसे गेटवे ऑफ पेंगोंग सो भी बोला जाता है। ये रहा चांगला भैया, पहुंच गए हम लोग चांगला। बहुत ही टफ था ये यहाँ तक आना। थोड़ा तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर निकलते हैं आगे की तरफ। चांगला टॉप पे चांगला बाबा का एक मंदिर भी है और आप चाहें तो यहाँ पे स्थित रेस्टोरेंट में जाकर चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, जो अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है। चांगला टॉप से नज़ारे कमाल के हैं, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर और बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, गजब की फीलिंग आती है। मन तो करता है कि कहीं ना जाएं, पर इतनी ऊंचाई पर और इतनी भयंकर ठंड में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था, इसलिए मैं 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद निकल पड़ा नीचे की तरफ। फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं चांगला से नीचे की तरफ। अब ये देखिए भाई साहब, अल्टीमेट रास्ता तो अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल खराब। हमें उस पार जाना है, वो रहा रास्ता। और ये एवलांच प्रोन एरिया ही है भाई साहब। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे उतरेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, मेरा लेह वापस आने का एक ऑब्जेक्टिव शे पैलेस और थिक्से मोनेस्ट्री घूमना भी था। लेह से करीब 12 किलोमीटर दूर शे पैलेस लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। पुराने जमाने में शे लद्दाख का समर कैपिटल हुआ करता था और शे पैलेस लद्दाख के राजा का ऑफिशियल रेजिडेंस। 10वीं शताब्दी में बना हुआ ओरिजिनल पैलेस अब रूइंस में है, पर जो नया पैलेस और मोनेस्ट्री है उसे देलदान नामग्याल ने अपने पिता सेंगे नामग्याल की याद में 17वीं शताब्दी में बनवाया था। शे पैलेस का मुख्य आकर्षण शाक्य मुनि बुद्धा की विशाल मूर्ति है, जो लद्दाख में इस तरह की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। सोने की परत से ढकी ये मूर्ति बहुत ही भव्य और सुंदर है। आपको बता दूं कि ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की कपिलवस्तु में शाक्य क्लान में ही हुआ था और ये मूर्ति उन्हीं को समर्पित है। इस मोनेस्ट्री की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स काफ़ी पुरानी हैं और बुद्धा के शुरुआती फॉलोअर्स के साथ साथ बुद्धिस्ट कल्चर को भी दर्शाती हैं।
जैसा कि यूजुअली सभी मोनेस्ट्रीज के साथ होता है, ये मोनेस्ट्री भी एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। शे पैलेस के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप था थिक्से मोनेस्ट्री, जो लेह मनाली हाईवे पर ही शे पैलेस से आगे करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित है। जब मैंने थिक्से मोनेस्ट्री को पहली बार देखा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि वाओ, ये मोनेस्ट्री कितनी बड़ी और खूबसूरत है। और मैं गलत नहीं था इस मोनेस्ट्री की साइज को लेकर। ये मोनेस्ट्री सेंट्रल लद्दाख में सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और 12 माले ऊंची है। थिक्से मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म के गेलुग सेक्ट, जिसे येलो हेड सेक्ट भी कहा जाता है, उससे संबंधित है। ये मोनेस्ट्री तिब्बत के विश्व प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से काफी मिलती जुलती है और बाहर और भीतर दोनों तरफ से काफी खूबसूरत है। इस मोनेस्ट्री के पोटाला पैलेस से मिलने जुलने की वजह से इसे मिनी पोटाला भी कहते हैं। इस मोनेस्ट्री के अंदर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे कि स्तूप, स्टैच्यूज, तिब्बतन टंका पेंटिंग्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स आदि देखने को मिलेंगे। इस मोनेस्ट्री के मुख्य आकर्षणों में से एक मैत्रेय बुद्धा की 15 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसे 14वें दलाई लामा के इस मोनेस्ट्री के विजिट के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। इस मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और साथ ही साथ तारा देवी का मंदिर भी है, जिसमें उनके 21 रूपों को भी देखा जा सकता है। ये मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्रीज में से एक है और अगर आप लेह में हैं तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कंसिडरिंग कि ये लेह से सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड के साथ हम लद्दाख सीरीज के लास्ट लेग में हैं और बस एक और दो एपिसोड बचे हैं, जिसमें मैं आपको हानले, सोमोरीरी और उमलिंग ला के सफर पे लेके चलूंगा। चूंकि ये सीरीज काफी लंबी हो गई थी, मैं अगले एपिसोड में नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लेके चलूंगा मध्य प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक शहर मांडू के सफर पर। लेह के बाकी एपिसोड मैं साथ ही साथ अपलोड करता रहूंगा। तो प्लीज शावर योर लव ऑन द न्यू सीरीज एज वेल। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिना देर किए कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।